आपका डेब्यूट सिंगिंग है, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन से पैशन था गाने का और अनिल जी ने मौका दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर अभय जाम एंट्रिंग कर रहे हैं मेरी, जो ऑलरेडी फिल्म पर्सनैलिटी हैं, तो इन दोनों के देखरेख में मैं गा रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि मतलब भगवान ने मेरी सुन ली है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाने के क्षेत्र में। मर्चेंट नेवी से सिंगिंग में आना, हाँ, ये थोड़ा अजीब है, तो थोड़ी हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी ऐसी थी कि जैसे मैंने कहा कि बचपन से मैं माँ के साथ आरती, माँ सुबह शाम आरती करती थी तो मैं उनके साथ हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, आरती गाता था। उसके बाद अचानक मतलब धीरे धीरे ना मुझे सिंगिंग का वो डेवलप होने लगा। स्कूल कॉलेजेस शोज बहुत सारे प्राइज बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अंदर ही पैशन था लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली की कंपल्शन थी, तो डैडी ने ट्वेल्थ के बाद बोला, और हम आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो पिताजी ने बोला कि यार तुम नौकरी कर लो, इस फील्ड में अनसर्टिनिटी बहुत है तो मैं तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम नौकरी कर लो उसके बाद अपना पैशन पूरा करो। तो मैंने भी वो जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किसी भी चीज़ में मेहनत करे और थोड़ी ऊपर वाले की दया तो ज़रूरी है, तो आदमी सफलता उसको मिलती ही है। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, या मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन भी हूँ, तो मैं अपनी मेहनत की बदौलत हूँ। मतलब मैं स्कूल में भी स्कॉलर था, शर्मुखानंद हॉल में 2009 में मैंने अभिजीत भट्टाचार्य के साथ एक शो किया था, और बाकी मैं करते रहता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है www.captainpramodchaudhary.com, उस पर जाके मेरे बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगी। अभी मेरे गुरु हैं श्री कमलेश शामनिया, जो कि आनंद राज आनंद के साथ म्यूजिक डायरेक्शन बहुत सारी फिल्मों में दे चुके हैं, वो भी एक फिल्म पर्सनैलिटी हैं, तो उनकी देखरेख में मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जिंदगी भर आदमी सीखता ही रहता है। और ये सफर चल रहा है। मर्चेंट नेवी से इसका ताल्लुक इसीलिए नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मर्चेंट नेवी एक जरूरत थी अपना घर चलाने के लिए, लेकिन मेरा दिल तो संगीत में ही था, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा लगता था कि संगीत में कैसे कब चले जाऊं, लेकिन मैंने कभी संगीत से नाता तोड़ा नहीं। मेरा अभी भी आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जहाज पे जाता हूँ, काम करता हूँ, और जो भी वक्त मिलता है उसमें रियाज करना भूलता नहीं हूँ। कम से कम एक दिन में 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय मिलता है रियाज करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ, और मुझे पता है कि जब तक मेहनत नहीं करूंगा तब तक ये होगा नहीं। कोई नहीं मिलता तो मैं समुन्द्र को अपने गाने सुनाता हूँ, जहाज पे लोगों को सुनाता हूँ, और मर्चेंट नेवी में काफी लोग मुझे जानते हैं कि ये गाता है, तो वो लोग उन लोगों की भी दुआएं मेरे साथ है। बात करें अगर गीत संगीत की, तो कौन आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, जिनको देखकर आप बड़े हुए हैं, जिनके गाने सुनकर आप बड़े हुए हैं, उन्होंने आपको इंस्पायर्ड किया हुआ है? बड़े सिंगर्स में मुझे लगता है कि किशोर कुमार और मुकेश जी। बचपन में मेरी माँ कहती है कि मैं जब 3 साल का था तो रोता था, तो मेरी माँ उस समय मर्फी का रेडियो हुआ करता था हमारे पास, तो मेरे कान के बगल में रख देती थी तो मैं चुप हो जाता था, तो मैं दूध भी नहीं मांगता था और किसी चीज के लिए रोता नहीं था। तो मेरी माँ बचपन में ऐसे ही काम करती थी कि एक रेडियो रख दिया, प्रमोद चुप हो जाएगा जी। तो किशोर कुमार जी और मुकेश जी, उनके गाने सुन सुन के रेडियो पे और गाका के, फिर वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। क्या मूवी का जो नाम है वो है क्या है जमाना, क्या जमाना है जी, तो उसमें आप अपनी आवाज दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताइए, ये अनुभव कैसा रहा, इमोशनल रहा, या एक कह सकते हैं कि मतलब बरसों का सपना पूरा हो गया, तो उसके बारे में बताना चाहिए? हाँ, बहुत बहुत इमोशनल घड़ी है जी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अनिल मेहता जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मुझे लगता है राज कपूर अपने जमाने में बहुत नए टैलेंट्स को मदद करते थे, उसी तरह अनिल जी भी बहुत मदद कर रहे हैं, और डॉक्टर अभय झा वो भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मेरी बीवी, मैं उसको तो नहीं भूल सकता क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करती हैं हर मामले में मेरी, मतलब जैसे कदम से कदम मिला के चलने वाली बात है। और ये बात मुझे अब समझ में आई है कि अगर घर से सपोर्ट ना हो और बीवी सपोर्ट ना करे तो मतलब बहुत मुश्किल है शायद इंसान का दूसरे मुकाम में, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक तरफ मैं नौकरी करता हूँ और एक तरफ मैं गायकी में उतरा हूँ, तो ये बहुत ही डबल काम है, लेकिन उसमें सपोर्ट घर का होना बहुत जरूरी है। बात करें अब बात आपने वाइफ की कर ही दी है, आपने सपोर्ट की, क्योंकि सही बात है, अगर आपकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती तो शायद आप आज यहाँ पर नहीं होते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह से आपने इनका हर मुश्किल घड़ी में, सुखी घड़ी में साथ दिया है और आज ये यहाँ तक पहुँचे? नहीं, बस मैं इनको मोटिवेट करती हूँ, जब इनका रियाज का टाइम होता है तो ये है।
हॉट कूल वाला ले सकते हैं ठीक है ना, कभी हॉट कभी और बढ़ाइए।